बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजनी की किचन में मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज क्या बनने जा रहा है? वो जा रहा है ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा विद न्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप लोग देख सकते हैं, तो चले मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। डिफरेंट वे में एयर फ्रायर में बनाने वाले हैं, पूरा बताएंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको 5 से 6 मिनट्स में रेडी करना है। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को रजनी के किचन के एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? चलें भाई जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आप लोगों के लिए आने वाली है रोज़ धमाकेदार लजीज किस्म की और बहुत ईजीएस्ट रेसिपीज। तो चलें आज आप लोग इन्ग्रीडियंट्स देख के समझ गए होंगे। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक बना चुकी हूँ, लेकिन आज जो बना रही हूँ एक और वेरिएशन डिफरेंट करेंगे। एक तो हम बनाएंगे एयर फ्रायर में, ये वो लोग बना सकते हैं जिनके पास एयर फ्रायर है, और नहीं है तो उनको स्टोव का भी मैं तरीका बता दूंगी। लेकिन थोड़े से डिफरेंस के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मैंने कर दिए ताकि आप लोगों के लिए एक ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा भी डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ रजनी के किचन में मिले। तो चले मैं आप लोगों को अपनी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल है, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने तो वो सब लिया है जो अवेलेबल था इजीली, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हैं तो आपको हमेशा पॉकेट फ्रेंडली रहना चाहिए, अपने बच्चों के लिए भी, गेस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए भी। तो चले मैं बताती हूँ। मैंने नॉर्मल मीडियम साइज़ की जो ब्रेड होती है उसके 4 से 5 स्लाइसेस ले लिए, ये तो आप लोगों की मर्जी, आपको जितने रिक्वायर्ड है। इसके साथ मैंने ले लिए हैं ये सॉसेजेस ना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चिकन के पीसेस ले लें, या रात का एक रात का पहले का सालन है, हल्के से उसकी बोटी को वॉश करके उसके साथ भी कर सकते हैं। कुछ मैंने टोमेटोज ले लिए हैं, कैप्सिकम काट ली है, प्याज काट ली है, और कुछ मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स घर में रखे हुए थे। उसके साथ ये देख सकते हैं आप लोग के मैंने ले लिए मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों। मैंने चेडर चीज़ को इस तरह से रखा है ताकि मुझे इन दोनों में डिफरेंस रहे, क्योंकि वेदर अच्छा है, इतनी जल्दी चीज़ वगैरह मेल्ट नहीं होती। उसके साथ मैंने क्या किया है कि पिज़्ज़ा सॉस लिया है, और आपको पता है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर चीज़ में थोड़ी बहुत आप लोगों को चेंजेस करके दिखाऊँ। ये पिज़्ज़ा सॉस जो है इसमें मैंने क्या किया कि 1 टीस्पून हॉट सॉस यानी कि चिली सॉस और 1 टीस्पून केचप डाल दिया, ताकि थोड़ा सा मज़ेदार सा मज़ा और आ जाए। और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ये है रेड चिली फ्लेक्स, उसके साथ ओरिगनो, और उसके साथ मैंने मेयोनीज ले ली है। ये मेरी डिफरेंट रेसिपी, मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट डाले हैं, इससे क्या होगा एक मज़ेदार किस्म का टेस्ट आ जाएगा और सॉल्टी सॉल्टी भी हो जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले ब्रेड के स्लाइसिस को अच्छे से खूब मक्खन लगाएंगे, और मक्खन लगा के फिर इनको डन करें। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये मैंने ब्रेड ले ली है, मैंने सिंपल कोई भी आप लोगों को फेवरेट, अच्छा ये है जो बटर लगाना है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि मैं जो हूँ ऑयल का स्प्रे भी करूँगी थोड़ा बहुत एयर फ्रायर में, और एयर फ्रायर आप यूज़ करें तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल हो बटर पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में क्लीन करना एयर फ्रायर को वाकई एक बड़ी टेक्निक है, क्योंकि आपको उसको नीट एंड क्लीन करके रखना भी ज़रूरी होता है, और उसके हिसाब से आपको ये भी देखना होता है कि वॉश करने में कोई उस पर गलत निशान ना पड़ जाए। आपका एयर फ्रायर ऑब्वियसली अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं सारी चीज़ें, तो बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके स्लाइसेस कट कर देते हैं, या डबल लेयर के साथ भी बनाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ, वो वाला जो आप लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों के स्नैक्स के लिए या शाम की चाय या जब भी आपका मूड हो डिनर में आप लोग रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह मैं सारे ब्रेड्स पे अच्छे से बटर लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ, उसकी टॉपिंग करेंगे, टॉपिंग से पहले हम इन्ग्रीडियंट्स को किस तरह मिक्स करेंगे वो भी दिखाती हूँ। तो चलें चलते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमने खूब अच्छी सी बटरिंग कर दी है ब्रेड पे। तो चले अब एक बोल ले लेते हैं, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये आप लोग देख सकते हैं, ये अनियन है, ये टोमेटोज़ हैं, ऑलिव्स हैं, ये आप लोगों के अपने ऊपर है कि आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, इसकी अच्छी सी टॉपिंग चाहिए तो ज़्यादा आप लोग डाल सकते हैं। मैं एक जगह इन सारी चीज़ों को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेपरेटली भी डाल सकती हूँ। पहली वीडियो जो मेरी है ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा वो इसी तरह से, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस इस तरह किया है कि मैं इसमें डाल दूँगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को मैंशन किया था, मेयोनीज़, और इसके साथ मैं डाल दूँगी ये ओरिगनो, ये आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा हम डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मेयोनीज और कुछ रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगनो इस तरह से डाल दिया है, मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब आपको कोई सॉल्ट या पेपर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और हम लोग पिज़्ज़ा सॉस के साथ हॉट सॉस भी यूज़ करने वाले। तो चले अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अपनी ब्रेड पर अच्छे से सेट करके लगाते हैं, और आपको एयर फ्रायर का समझाते हैं कि कितने डिग्री पर आपको कितनी देर में आपका ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा रेडी होता है।
जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग जो बना रहे हैं ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा, वो एयर फ्रायर में बना रहे हैं। एयर फ्रायर में इसके ऊपर एक ग्रिल भी लगी हुई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन जब ग्रिल रिक्वायर्ड हो तब आप लोग यूज़ कीजिएगा। इस तरह से है ये, मैंने अभी इसमें सिंपल इसको रखा हुआ है, अभी कुछ नहीं किया। अब मैं इसमें ऑयल का स्प्रे करूँगी। ऑयल का स्प्रे करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी बेकिंग है, कोई भी फ्राइंग है विदाउट ऑयल, तो थोड़ा बहुत तो ऑयल चाहिए होता है। इसको अच्छे से आप ऑयल लगा के फिर आप इसको ब्रश अप कर दें, इसमें इसकी थोड़ी सी साइड्स पे भी कर दें, ताकि आपको बाद में इसको क्लीन करने में कम से कम प्रॉब्लम हो। वरना आजकल आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन बड़े अच्छे वो ब्राउन पेपर्स मैंने भी ऑर्डर किए हुए हैं, जल्द आएंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और उसका रिव्यू और फीडबैक भी दूंगी, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये अच्छे से ऑयलिंग करके अपने एयर फ्रायर में रख दें। प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट सब चीज़ें डन है। वरना अमूमन और कोई चिकन वगैरह बनानी हो तो थोड़ा बहुत आप लोग इसको प्री हीट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको 180 डिग्री पे 5-6 मिनट्स के लिए रखेंगे। तो ये अच्छे से ग्रीस हो गया है, अब मैं इसकी टॉपिंग करके ब्रेड पर आपको दिखाती हूँ और फिर तैयार हो जाएगा ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो चलें अब हम लोग ब्रेड पे लगा रहे हैं अपना सॉस जो हमने खुद से रेडी किया है, अपने डिफरेंट 2-3 सॉस को मिला के, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छे से लगाइएगा, साइड पे भी कवर कीजिएगा। और अब हम जो हमने टॉपिंग रेडी की थी, उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मतलब लजीज बनाने के लिए जो चेडर चीज़ होती है उसको नीचे थोड़ी सी लेयरिंग कर देती हूँ और मोज़रेला को ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। और इसी पॉइंट पर हल्का सा मैं रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी और फिर मैं करूँगी इसके ऊपर टॉपिंग खूब सारा हमारा जो हमने अपना इंग्रेडिएंट रेडी किया है उसके साथ। और उसके साथ हम लगाएंगे इसमें चीज़। कोशिश ये कीजिएगा कि सारी चीज़ें आ जाएं, जो भी चीज़ है वो उठा के फिर दोबारा भी आप लगा सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी ये जो नीचे जो सॉरी सॉसेस वगैरह है उनके साथ ही अच्छे से चिपक जाएगा। तो चलें ये हो गया, अब मैं लगाती हूँ उसके ऊपर मोज़रेला चीज़। देख सकते हैं आप लोग, ये इतना यम बनता है, इतना मज़े का बनता है कि अब तो रमज़ान भी आने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें अच्छा इस पोजीशन पे आप बना के अपने घर में फ्रिज में भी रख सकते हो। सुबह झटपट एयर फ्रायर ऑन किया और फटाफट आपने अपने बच्चों के लजीज किस्म के स्नैक्स रेडी करें। ये आप लोग देख सकते हैं अभी इसकी टॉपिंग कितनी मज़ेदार लग रही है। और इस पर अगर आपको आपके फैमिली को स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करें और थोड़ा सा ओरिगनो। और ये हमारा एक स्लाइस ज़बरदस्त किस्म का ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। इसको चले अब हम आपको बेक करते हुए दिखाते हैं और फिर मिलाते हैं फटाफट 5-6 मिनट्स में। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं फाइनली हमारा ज़बरदस्त कस्म का यम सा बहुत मज़ेदार सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा रेडी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूँ। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी है लगती है। इंशाल्लाह ताला मैं फिर एक अच्छे ब्लॉग, होपफुली मैंने कोशिश ये की है कि मैं अपना डेली ब्लॉग मॉर्निंग ब्लॉग बच्चों के साथ आप लोगों को दूँ। बस मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला फिर एक बहुत अच्छी रेसिपी या होपफुली एक अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।